बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 10.8, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है डी एक्स बाई डी टी, तो ऑपरेटर है डी बाई डी टी। ये डी वाई बाई डी टी, ऑपरेटर है डी बाई डी टी। इसमें हम करते हैं लेट डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी। डी का मतलब डी बाई डी एक्स नहीं होगा बल्कि डी बाई डी टी होगा, और ये हर सवाल में यूज़ होगा, या लिखें या ना लिखें। तो लिखेंगे इन ऑपरेटर फॉर्म, इसे कर लेंगे डी एक्स, और इस वाई को भी इधर लें, माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा डी वाई प्लस फोर एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम वन कह लेते हैं और इसे हम टू कह लेते हैं, बल्कि इसको मज़ीद करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखें फोर एक्स पहले लिखें, इन दोनों में से y कामन आया, इधर क्या आया d माइनस फोर, और इसको मैं टू कह रहा हूँ, ये मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखें, या x को के कोएफिशिएंट सेम कर लें या y के, अगर हम इसके करेंगे ये ऐड होके कट जाएगा, तो लिखने हैं ऑपरेट मल्टीप्लाई, नहीं लिखना ऑपरेट d माइनस फोर ऑन इक्वेशन वन। जब इधर ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा डी डी माइनस फोर एक्स माइनस डी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और नीचे आएगा ये वाली इक्वेशन एंड फोर एक्स प्लस डी माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आएगा डी डी माइनस फोर प्लस फोर इन टू एक्स, और ये सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो। इसे करेंगे डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी स्क्वेयर माइनस फोर डी प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी माइनस टू का स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर डी की कितनी वैल्यूज आ गई, दो, तो डी आया टू व टू, लिहाजा एक्स आएगा सी वन प्लस सी टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, और इधर आएगा e की पावर टू टी। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की करनी थी, एक हमने कर ली है, एक रह गई। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए बजाय हम अब इनको इक्वेट करें और इसकी वैल्यू ले लें, ऐसा नहीं करना। अब आप कर लें इक्वेशन नंबर, ये है वन और ये है इक्वेशन नंबर थ्री। अगर हम इसको इस तरह करें कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, देखें इक्वेशन वन कौन सी है, डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y शुरू में भी दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो विच इज़, यहाँ मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, आपको नज़र आ जाए डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारे पास आएगा डी बाई डी टी सी वन, मैं इसको लेदा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ई की टू टी प्लस सी टू टी ई की टू टी। ये आ जाएगा हमारे पास सी वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे टू सी वन ई की टू टी, और जब ये लेंगे तो प्लस सी टू, प्रोडक्ट टू टी का डेरिवेटिव आएगा वन, बाकी बचेगा ए की टू टी प्लस टी, और ए की टू टी का आएगा टू ए की टू टी। इसको आप ऐसा कर लें कि टू सी वन प्लस सी टू प्लस टू सी टू टी ई की पावर टू टी। मैंने क्या किया, ई की टू टी सारा कॉमन ले लिया, और कांस्टेंट को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट होता है। अब इस टू सी वन को आप ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको कोई नया कांस्टेंट का नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट हैं जो हमने शुरू में निकाले थे। अब ये वाले कांस्टेंट y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है, तो एंड पे जो कांस्टेंट आएंगे ये वैसे के वैसे ही हम छोड़ दिया करेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, जो कि हमारे पास ये वाला है।
इसे भी कह लेते हैं, इसको वन कह लें, इसको टू कर लें, इन ऑपरेटर फॉर्म ये क्या आएगा, टू डी एक्स प्लस डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की माइनस टी, एंड नीचे आएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की माइनस टी। दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ये टू डी एक्स है, ये एक्स है, तो ये बचा टू डी माइनस वन एक्स, ये डी वाई है, ये वाई है, प्लस डी माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई की माइनस टी। इसी तरह नीचे आएंगे, ये दोनों हैं, ये आएगा डी प्लस टू एक्स प्लस डी प्लस वन वाई, और ये क्या आएगा ई की, ये माइनस टी था, ये प्लस टी था। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर। अब या इसको सेम करेंगे या इसको, तो हम इसको कर लेते हैं ऑपरेट, इसको ऑपरेट करेंगे थ्री बाई डी प्लस वन एंड फोर बाई डी माइनस वन। तो जब ये ऑपरेट करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा डी थ्री को किससे किया, डी प्लस वन से, डी प्लस वन टू डी माइनस वन एक्स, ये होगा डी माइनस वन डी प्लस वन, ये जो है इनको आगे पीछे लिख रहे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और इधर आएगा डी प्लस वन ए की पावर माइनस टी, नीचे आएगा डी प्लस टू, और इसको ऑपरेट करना है डी माइनस वन से एक्स, प्लस डी माइनस वन डी प्लस वन वाई, और ये आएगा डी माइनस वन ई की पावर टी। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से ये, तो ये बचेगा डी प्लस वन इंटू टू डी, इन दोनों से एक्स कॉमन आएगा, माइनस डी प्लस टू डी माइनस वन, इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स, इनको ऐड करेंगे तो डी प्लस वन ए की माइनस टी, बल्कि सब्ट्रैक्ट है, माइनस डी माइनस वन ए की टी। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा टू डी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस डी प्लस टू डी माइनस वन, और ये हो जाएगा बाहर माइनस है तो इसको इस तरह कर लें डी स्क्वायर, ये प्लस डी आ जाएगा और ये प्लस वन, और इधर क्या आ जाएगा एक्स। इस डी, डी का मतलब क्या है, डी बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव लें तो आएगा माइनस टी ई की, सर आएगा ये नहीं आएगा, माइनस ई की माइनस टी, जब प्लस करेंगे तो प्लस ई की माइनस, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा तो आएगा माइनस 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 प्लस सी की टी, तो ये इससे कट रहा है और ये इससे, ये सारे का सारा कट रहा है, इधर आएगा हमारे पास टू डी स्क्वायर प्लस डी माइनस वन माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, और ये क्या आ जाएगा माइनस वन इन टू एक्स, ये सारे का सारा किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। ये टू डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, ये इससे गया, तो क्या बचा डी स्क्वायर, डी से डी गया। अब ये देखें यहाँ पे हमने गलती की, टू इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस टू, ये माइनस टू इसके साथ मिलके क्या आएगा प्लस टू, और टू से वन जाएगा तो क्या आएगा टू प्लस वन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे वही वो जो हम जो करते हैं पहले, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डी स्केयर क्या आएगा माइनस वन, तो डी क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको लेके आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास आएगा एक्स की वैल्यू, इट इम्प्लाइज दैट एक्स आ जाएगा सी वन काज ऑफ टी, चूँकि ओटा के साथ कुछ नहीं है, प्लस सी टू साइन ऑफ टी। तो एक तो आंसर हमने फाइंड कर लिया, और ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, एक्स की। इस एक्स की वैल्यू को लेके अब हम चलेंगे आगे, तो इनको करते हैं साल,
और अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। ये देखिए, ये इक्वेशन है वन, ये इक्वेशन है टू। अगर हम इनको माइनस कर दें तो डी वाई बाई डी टी कट जाएगा। टू से वन माइनस कर दें तो प्लस टू आ जाएगा, वन से टू करें तो माइनस टू आएगा। अब जैसे हमारे सामने है तो हम क्या करते हैं, नाउ वन माइनस टू तो ये आएगा टू डी एक्स बाई डी टी से। जब ये माइनस करेंगे तो ये देखें टू से ये जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा डी एक्स बाई डी टी। वाई वाली रकम कट जाएगी, माइनस एक्स माइनस टू एक्स आ जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई। और जब ये माइनस करेंगे तुम्हारे पास आएगा ए की माइनस टी माइनस ए की टी। इसे क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी माइनस थ्री एक्स प्लस ई की टी माइनस सी की माइनस टी किसके इक्वल आ गया, टू वाई। या इसको लेफ्ट साइड पे ले हैं तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी माइनस थ्री एक्स प्लस सी की टी माइनस सी की टी। अब इसकी ये वैल्यू पुट, ये एक्स वन नहीं है, खाली एक्स है। तो डी एक्स बाई डी टी लें, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस सी वन साइन ऑफ टी प्लस सी टू काज ऑफ टी। माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री सी वन काज ऑफ टी माइनस थ्री सी टू साइन ऑफ टी। प्लस हमारे पास क्या बचा, ए की टी माइनस ए की टी। तो प्लस मैं इधर लिख देता हूँ, ए की टी माइनस ए की माइनस टी, इधर क्या आर है, टू वाई। तो फिर टू वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ये है सी वन और ये साइन ऑफ टी, ये काज ऑफ टी, ये फिर सी टू काज ऑफ टी। इसको इस तरह कर लें, साइन वाली रकम इकट्ठी कर लें, इन दोनों में साइन है, या चलें ये पहले काज कर लें साइन कर लें जो मर्जी। तो ये मैं पकड़ता हूँ सी टू माइनस थ्री सी वन काज ऑफ टी, बाकी बचा माइनस इन दोनों से सी वन प्लस सी थ्री टू साइन ऑफ टी प्लस ई की टी माइनस ई की माइनस टी। और आखिरी स्टेप है कि आपने इसको टू पे डिवाइड करना है, वो आप खुद कर लेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव ये वाला है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड दूसरी क्वेश्चन है डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू। इसको वन कह लेंगे और इसको टू, इनको भी हमने सॉल्व करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ऑपरेटर फॉर्म, ये क्या है, डी स्क्वेयर एक्स प्लस डी वाई प्लस सिक्स एक्स इज इक्वल, चूँकि डबल डेरिवेटिव है तो डी स्क्वेयर हो जाएगा। और ये क्या है, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू। इट इम्प्लाइज दैट, दोनों को साथ देख के चाह रहे हैं, डी स्क्वेयर एक्स प्लस सिक्स एक्स क्या आएगा, डी स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और नीचे क्या आएगा, डी प्लस टू एक्स, बाकी बचा प्लस डी माइनस टू और ये वाई आएगा इज इक्वल टू टू। इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन थ्री और इसे मैं कहता हूँ इक्वेशन फोर। अब ये डी है, ये डी माइनस टू है, यहाँ प्रेड करेंगे डी माइनस टू और यहाँ प्रेड करेंगे डी। तो चलते हैं आगे ऑपरेटिंग ऑपरेट डी माइनस टू टू इक्वेशन वन एंड डी ये इक्वेशन थ्री करें, डी टू इक्वेशन फोर। तो हमारे पास आएगा डी स्क्वेयर प्लस सिक्स डी माइनस टू एक्स प्लस आएगा डी माइनस टू फिर डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। और नीचे आ जाएगा डी करना है तो डी डी प्लस टू एक्स प्लस डी माइनस टू डी वाई
और इधर क्या आएगा डी और टू, इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी माइनस टू माइनस डी डी प्लस टू एक्स, ये कट जाएगा। और ये भी लिखना है तो लिख लें, ज़ीरो माइनस डी टू टू का डेरिवेटिव वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। अब ये बनेगा डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी माइनस ट्वेल्व माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी और ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आया डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर और प्लस टू डी से जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस फोर डी माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वायर प्लस फोर डी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, वन माइनस थ्री फोर माइनस ट्वेल्व, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़ीरो के साथ वन के साथ टू के साथ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थ्री, क्या आएगा वन, इधर क्या आएगा थ्री, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो, ये ऐड करें फोर, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, तो क्या आ गया ज़ीरो ये रिमाइंडर। लिहाजा इसका मीनिंग ये हुआ, एक तो हमारे पास डी की वैल्यू थ्री आ गई और दूसरा आया डी स्क्वायर प्लस ज़ीरो डी प्लस फोर ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा प्लस माइनस टू आयोटा, ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं एक्स के लिए, लिहाजा एक्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी वन ई की पावर थ्री टी प्लस सी टू काज ऑफ टू टी प्लस सी थ्री साइन ऑफ टू टी। ये तो वैल्यू आ गई एक्स की। अब हमने लेनी है वाई, उसी तरह दोबारा आते हैं, ये देखें ये वन है ये टू है, मैं इनको माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा, कट जाएगा बाकी रकम बचेगी वाई वाली, उसमें एक्स आएगा एक्स का डेरिवेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव आएगा, तो मैं कर रहा हूँ वन माइनस टू, जब वन माइनस टू करूँगा तो मेरे पास आएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स बाई डी टी, सिक्स एक्स से टू एक्स जाएगा तो मेरे पास आएगा फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो फिर टू वाई किसके इक्वल आएगा माइनस टू माइनस फोर एक्स प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ, अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इस पर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और ये देखें ये जब इधर आना था तो ये प्लस नहीं था, ये क्या था माइनस, इट इम्प्लाइज दैट, मैं ये देखें अब आएगा हमारे पास टू वाई माइनस टू माइनस फोर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, मैं इसको यूं कर लेता हूँ प्लस डी और एक्स की जगह पे मैं लिखूँगा सी वन ई की थ्री टी प्लस सी टू काज ऑफ टू टी प्लस सी थ्री साइन ऑफ टू टी माइनस डी स्क्वायर सी वन ई की पावर थ्री टी सी टू काज ऑफ टू टी प्लस सी थ्री साइन ऑफ टू टी। अब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारे पास आखिरी स्टेप है, ये आ जाएगा टू वाई, यानी आखिरी स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, एक डेरिवेटिव है क्या आएगा प्लस थ्री सी वन ई की पावर थ्री टी, ये काज है माइनस सी टू काज टू टी का साइन टू टी और फिर इधर क्या आएगा टू टी का, इस तरह आ जाएगा प्लस थ्री सी टू और ये आना था टू टू सी टू साइन ऑफ टू टी, ये है दो दफ़ा डेरिवेटिव। तो बजाय इसमें हमें गलती हो जाए हम ऐसे कर लेते हैं माइनस डी, एक डी मैंने लिखा एक में डेरिवेटिव ले लूँगा और एक अगले स्टेप में, उसी तरह ये आएगा थ्री सी वन ई की पावर थ्री टी माइनस टू सी टू साइन ऑफ टू टी और प्लस टू सी थ्री
और ये देखें टू सी थ्री क्या कर रहे हैं, टू सी थ्री इधर आना है काज ऑफ टू टी, और ये भी आएगा काज ऑफ टू टी। तो टू वाई क्या आएगा हमारे पास, माइनस टू माइनस फोर है, थ्री सी वन ई की पावर थ्री टी माइनस टू सी टू साइन ऑफ टू टी प्लस टू, ये काज है इसको ज़रा सही कर लें, काज ऑफ टू टी माइनस, फिर डेरिवेटिव लेने हैं तो ये क्या हो जाएगा नाइन सी वन ए की पावर थ्री टी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर सी टू काज ऑफ टू टी। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये फिर माइनस आएगा, लेकिन बाहर फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस फोर सी थ्री। और आखिरी स्टेप है वो आप करेंगे खुद, क्या करना है ये साइन वाली रकम इकट्ठी करें एक दो, ये काज वाली इकट्ठी करें, ये वाली इकट्ठी करें और टू पे डिवाइड करें। ये तो मैं लिख देता हूँ माइनस फोर, ये माइनस नाइन है ये पर तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स सी वन ए की पावर थ्री टी। ये क्या है साइन टू टी, ये प्लस फोर सी थ्री माइनस टू सी टू साइन टू टी। बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये और ये, तो ये आएगा प्लस टू सी थ्री माइनस नाइन सी वन, नहीं ये है काज टू टी, ये फोर सी टी प्लस फोर सी टू प्लस, इन दोनों को ऐड करना है टू सी थ्री प्लस फोर सी टू काज ऑफ टू टी, और इधर क्या है टू। अब क्या करेंगे वाई पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट आंसर।